बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको छोटी बच्ची का सूट सिलाई करके दिखाऊंगी इन छोटे छोटे पीसों से। ये शलवार में से निकला हुआ पीस है, ये दो पीस है डबल किए हुए। इस तरह के एक ये पीस है, ये सलवार की साइड से लंबाई में से निकला हुआ पीस है, ये वाला। ये बाजुओं में से निकला हुआ पीस है, बाकी के छोटे छोटे पीस बचे हुए कंधे की कटाई करने के बाद जो पीस बच जाते हैं वो है। पहले मैं इस पीस की कटाई करूंगी नीचे वाली गगरी की। अब मैं इसके दरमियान में 11.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब दरमियान में इस तरह से 4 इंच पे रखते हुए इस निशान पे मैं यहाँ पे रख के 4 इंच इसका नाप लूँगी, और यहाँ पे गुलाई में जिस तरह से मैंने ये निशान लगाया है इसी तरह से मैं ये वाले भी निशान लगा लूँगी। अब मैं निशानों पर कटाई कर लूंगी। इस पीस को इसके ऊपर रखते हुए इजाफी पीस उतार दूंगी। ये वाला पीस इसके साथ अटैच कर लूंगी और इसे बैक साइड पे अटैच करूंगी, जिसके साथ मैंने ये जोड़ डालना है। इस पीस से मैं पेटी की कटाई कर लूंगी इस तरह से डबल करते हुए। इसकी लंबाई मैंने ली है 8 इंच, इसकी लंबाई मैंने लिया तकरीबन 8.5 इंच, चौड़ाई इसकी 13.5 इंच है। तीरे की चौड़ाई लूंगी तकरीबन 4.5 इंच। कंधे की गहराई भी मैंने 4.5 इंच ली है, आधा इंच ऊपर से मैंने इजाफी लिया था
इस तरह से तिरछी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। चेस्ट की चौड़ाई लूंगी 12 इंच, आधा इंच ज्यादा लूंगी सिलाई के लिए। गले की चौड़ाई लूंगी 2 इंच। गहराई 3 इंच। बैक साइड की 1.5 इंच। अब इसकी भी इस तरह से गुलाई कर लूंगी। बैक साइड की गले की कटाई करने के बाद बैक साइड को नीचे से निकाल लूंगी और फ्रंट साइड के गले की कटाई कर लूंगी। साइड के कंधे की भी गहराई कर लूंगी। फ्रंट साइड की मैं दरमियान से कटाई करूंगी क्योंकि मैंने फ्रंट साइड पे पट्टी अटैच करनी है। फ्रंट साइड पे मैं बटन अटैच करूंगी। घेरे की भी कटाई कर लूंगी फ्रंट साइड के। अब इसे इस तरह से अटैच करूंगी, इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लूंगी। इसी तरह से दूसरी साइड को भी अटैच कर लूंगी इस तरह से। यहां पर आपके सिलाई लगा लूंगी और ये वाली पट्टी मैं इसके साथ बाद में अटैच करूंगी। इसकी चौड़ाई मैंने ली है तकरीबन 1.5 इंच। दो पट्टियां मैं इससे निकाल लूंगी। 3 इंच का मैंने ये पीस लिया। ये सिलाई लगा के मैंने सीधा करते हुए इसके ऊपर भी सिलाई लगा दी है। अब मैं इसके साथ पट्टी अटैच करूंगी। बैक साइड पे इस तरह से रख के यहां पे सिलाई लगाऊंगी और इसे फ्रंट साइड को मोड़ दूंगी। ये मैंने दोनों साइड पे पट्टी अटैच कर दी है आधा आधा इंच नीचे छोड़ते हुए। इस तरह से ऊपर को मोड़ के मैंने इसे अटैच कर दिया। इसी तरह से मैंने बैक साइड भी तैयार कर दिया। ये साइड के लिए पीस कटाई किया था वो भी मैंने इसके साथ अटैच कर दिया और बैक साइड भी मैंने तैयार कर दिया। अब ये जो मेरे पास पीस बचे हुए हैं इनसे मैं छोटी छोटी फ्रिंज तैयार करके अटैच कर लूँगी इसके नीचे घेरे पर। अब इसमें से तिरछी पट्टियाँ निकाल लूँगी और गले और बाजुओं पर अटैच कर लूँगी। फ्रिल मैंने नीचे अटैच कर लिया और गले भी मैंने पाइपिंग कर ली है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। इसी तरह से हम छोटे छोटे पीसों से छोटे बच्चों के घर में खूबसूरत डिजाइनिंग वाले कपड़े तैयार कर सकते हैं। इसकी बैक साइड है, तकरीबन ये 5 से 6 साल की बच्ची का ड्रेस तैयार हुआ है। फ्रिल लगने के बाद इसकी लंबाई 16 इंच है। इसके नीचे मैंने ये वाला टीच बटन अटैच कर दिए थे इस तरह से उतार के। बच्चे को पहनाने में भी आसानी रहती है। मैंने पजामा तैयार किया है। ये साइड से जो पीस निकला था उसकी इस साइड पे सिलाई लगा दी है और जो चौड़ाई वाला हिस्सा था
उसकी कटाई करते हुए आसन तैयार किया। नीचे इसकी चौड़ाई कम थी, इसमें ये वाला पीस मैंने अटैच कर दिया, तिरछा ये वाला पीस मैंने अटैच किया। माशाल्लाह ये भी बहुत खुला और प्यारा बन गया। और पांचे पे हल्की सी डिजाइनिंग भी हो गई है। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आए तो इसे ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।